अस्सलामु अलैकुम। जवाब दो, जवाब दो पहले। माशाल्लाह मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, आज फिर एक बार निजामबाद उन लोगों की गलतियों की वजह से आना पड़ रहा है जो गलतियों से पैदा हो गए। ये कैसे गलतियां थी पता नहीं, बहरहाल गलतियां जरूर उनके माँ बाप करे होंगे जो ऐसी औलाद को जन्म दी। अभी मेरे बाप, मैं आ रहा था तो एक साहब ने मुझसे नाम पूछा, पूछा हजरत ये शाह लोगों में कैसा हो गए। तो बोला मियां शाह तो उधर नहीं होते, मगर कोई शाह साहब का कमाल दिख रहा। आज वही कमाल हमारे पे जाहिर हो रहा। मेरे अजीज दोस्तों याद रखो, आज हमको अपना कमाल दिखाना है, और अपना कमाल ये है कि आज ऐसी हुकूमतों पे बैठने वाले बेगिरतों को गिरत दिलाना है, और इनको ये बताना है हम एक है, हम एक रहेंगे। आज हमारे भी मौलाना एक विकास की बात करे, मैं इतने दिन से विकास बोले तो ढूंढ रहा हूं कौन है आखिर। मैंने साहब के बड़े घर साहब के देखा तो बीवी घर में, उन्हों इधर है, तो विकास कैसे आएगा। अब दूसरों को देख रहा हूं तो वो विकास के काबिल नहीं है। अरे मियां हिंदुस्तान हमारा है, हमारा रहेगा। तुम आए हैं और अब आएंगे भी नहीं इंशाल्लाह आइंदा। अब आ गए, आना आने की उम्मीद नहीं है याद रखो, मगर हम लोगों का एक अमल होना। हम ये एक बात तो याद रखो, चीखा मारने तो माहिर हो गए हैं, अल्लाह के सामने झुकने के माहिर बने बने ने बने बनो। याद रखो हमारे आज हिंदू भाई भी यहाँ है, दीगर भाइयों को भी हमने आज यह मदू किया। क्यों किया? ये हमारा एक का मसला नहीं है, सबका मसला है। ये बदबख्त तीन छन्नियां रख दिए हैं, एक छन्नी में छानेंगे, दूसरी छन्नी में छानेंगे, फिर तीसरी छन्नी में छानेंगे। एक ऐसे मजाक कर रहे हैं। अब एक आदमी यहाँ बूढ़ा हो गया है, बल्कि आप खुद जानते हैं कि एक फौजी बेचारा रिटायर्ड हो गया लड़ते लड़ते, उससे ये पूछ रहे आप इंडियन है क्या? अब उन्हें क्या करना, ये अन्नाड़ियों को बताना, क्या बताना। बल्कि सदर जमुरिया के भाई का भी नाम नहीं है, कहते पहले गुजरे से सदर जमुरिया, अब इनका नाम कैसा आ जाएगा, डिग्रियां जैसे आगे वैसा नाम भी आ जाएगा। इनसे पूछा गया था 94 में या 93 में, मेरे पास एक इंटरव्यू आया, उसमें इनसे पूछा गया था क्या पढ़े हुए हैं, तो बोले मैं टेंथ पढ़ा हुआ हूँ। अब माशाल्लाह सीट ऊंची हो गई तो इन्हें समझ रहे डिग्री भी ऑटोमेटिक मिल जाती। अब पूछे तो बोल रहे मैं बी करा एमए करावा हूँ, बीए करावा हूँ। अरे मियाँ जो है वो दिख रहा, कैसे बोल रहे आप, बारह चाय की केतली है वो डिग्री है हमारे को, और हम लोग आज चाय के बहुत पसंदीदा पसंद है हमारे को चाय, मगर चाय वालों की चाय पसंद नहीं है हमारे, हमको घर वालों की चाय पसंद है। जो अपने वतन के लोग हैं उनकी चाय पसंद है, बाहर वालों की नहीं है। आज हम सबको याद रखो, अपने ये हुकूमत जो मुसलसिल बिला ला रही है, कभी तलाक की लालच, अरे खुद अपनी बेगम को नहीं ला सका, हमारे बेगमों पे कैसे नजर रखा है भाई, अजीब बेवकूफा है। चला रहे हैं सैफी पर, जो बोले चल रही, बिल एक बिल लेके आ गए, दूसरी बिल लेके आ गए, एक इनको बिल में डाल दो। अब इन बिला बहुत ला लिया, अब सुन मिलके इनको बिल में घुसा दो, ऐसा घुसाओ कि निकलने नहीं। और ये कब होगा? जब हम इत्तेहाद के साथ, हम तमाम मिलकर अपने हिंदू भाइयों को साथ लेकर, ईसाई भाइयों को साथ लेकर, याद रखो ये जो ऊपर बैठे ना किसी को नहीं बख्शेंगे। आज हमारी बारी है तो कल ईसाइयों की बारी है, परसों सरदारियों की बारी है, सबको लेके डूबेंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, हमारे तमाम भाइयों से, स्टेज पे भी हमारे टीआरएस के जिम्मेदार बैठे हैं, हमारे कायद के बोलने पे माशाल्लाह यहाँ जो टीआरएस के जिम्मेदार है वो आए हैं,
मगर मैं उनसे यही कहूंगा, मियां हिंदी अहम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये हम ये चमन की रौनक है मियां, हमने रहे तो तुम रह के क्या करेंगे, फिर तुम किसको देख के पुकार लेंगे, किसको देख के अड़ला लेंगे, हमको दिखे तो अड़लाने की नौबत तो आ गई ना, इसलिए हमारे से मत नकार, हमारे को मत तकलीफ दो, वरना हम भी आपको तकलीफ देना शुरू कर देंगे, और ऐसी तकलीफ देंगे कि अल्लाह के सामने हर मोमिन अपना हाथ उठाएगा, तो फिर याद रखो अच्छे अच्छे लोगों की कुर्सियां नीचे से सरक गई, तो इसकी क्या हकीकत है हमारे सामने। मगर हमारे को भी ये देखना है कि ये जितने कवानीन आ रहे हैं, इससे हमारा जो एक के बाद एक कानून ये लाते जा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि दस्तूर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया के एक हम इतिहास से रहते हैं तो ये लोग इतिहास पसंद नहीं है, इंतशार पैदा करना चाहते हैं। इंशाल्लाह मजीद गुफ्तगू हमारे तमाम लोग बयान करेंगे, हमारे खुद हकायत जो है आपको तफसील से वो बताएंगे कि क्या क्या है ये बला और क्या क्या ये मुसीबत आने वाली है, मगर मुसीबतों से घबराना नहीं है, हम अपने अल्लाह से भी अपने रब से भी रब रिश्तों को मजबूत कीजिए, और अपने यहाँ इत्तेहाद का मुजाहरा कीजिए। माशाल्लाह आप लोगों की परसों रैली देखा, सरों का समंदर था, मैं पूरे निजामबाद के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ, और आपकी जवा मर्दी को सलाम करता हूँ, और ये आवाज देता हूँ कि आज हम एक होते हैं तो सड़कें वीरान हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, मियाँ हमको छेड़ो रखो सोने दो, मुसलमान को जगाओ, में अगर ये जाग जाएगा तो फिर तुम्हारा बैठना मुश्किल हो जाएगा। आज हमारे पास अपने अंदर तमाम जो खामियां हैं उसे दूर करो, लोगों को हमारे पे उंगलियां उठाने मत दो, हमारे को जितना हम काम कर सकते हैं करिए, और लोगों को साथ मोहब्बत के साथ रहिए, और याद रखो अपने कानून को अपनी शरीयत को बदनाम करने के लिए लोग कई हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अपनी हिफाजत करना है, अपनी शरीयत की हिफाजत करना है, और अपने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलना है। इसी वजह से आज कानून में नए नए इंतशार ये लोग डाल रहे हैं, और एक ना एक दिन हमारे कानून को हमारी शरीयत को भी मजाक बनाएंगे, इसलिए हमने ये तमाम लोगों से कहा कि हमारी दारुल खजाए कायम करो, और अलहमदिल्ला हाफिज लईक साहब की यहाँ दारुल खजा चलती है, अलहमदिल्ला यहाँ भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, और मैं हमारे यहाँ के जिम्मेदारा ने जो जलसा है उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने बड़ी अच्छी महफिल सजाई। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि ये महफिल जो सजाए हैं, अल्लाह इससे हमारे तमाम लोगों में इत्तेहाद अता फरमा, इत्तेफाक अता फरमा, और अपने फजल व करम से हमारे मामलात को हल फरमा। अस्सलाम वालेकुम।